नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे सपने भी थे कि मुंबई में मेरी ऑफिस हो और यहाँ से कुछ बड़ा करने का मुझे मौका मिलेगा। अभी जैसे मैं लक्ष्मण सर से बात कर रहा था तो जो मेरे सपने उस टाइप से इन्होंने मुझे बात की, हमने कहा कि जैसे मैं बनारस जैसे शहर में काम करता हूँ, जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे आपको बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में आने के बाद लगता है कि आप किस लेवल पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप समझते हैं उससे कई गुना लोग आगे हैं। उनकी सोच, उनके बात करने का तरीका, उनके विज़न, ये सब आगे हैं। तो जो मेरे सपने, मुझे लगता है कि जो मेरे सपने उस सपने को अगर कहीं से पूरा किया जा सकता है तो मुंबई जैसा शहर है। तो ये सिक्योरिटी की ही ऑफिस नहीं है, ये हमारी इंफ्रा, जैसे हम बेसिकली रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो हमारी JMS जो कंपनी है वो रियल इस्टेट में बड़ा काम करती है, एज ए बिल्डर, एज ए कॉन्ट्रेक्टर। एजुकेशन का मेरा बड़ा काम है पूर्वांचल में, सिक्योरिटी का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस भी है, क्योंकि भाई कुछ बहुत सारी प्रतिभाएँ ऐसी हैं कि जो अपना टैलेंट दिखाना चाहती है तो उसमें भी हमारी कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो प्रोडक्शन हाउस भी चलता है। तो मिला जुला के काम और बड़ा कैसे हो, लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, देश के लिए क्या किया जा सकता है, उसी पे एक कदम आगे चढ़ने के लिए बनारस से मैं मुंबई का सफ़र तय किया हूँ। सर, सुरक्षा की बात करें तो आज लगभग सुरक्षा की बहुत अधिक ज़रूरत है, चाहे वो घर की सुरक्षा हो, चाहे बिल्डिंग की हो, चाहे आम आदमी की हो। लोग बाउंसर लेके और सिक्योरिटी गार्ड्स लेके चलना पसंद करते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ नया मिलेगा मुंबई शहर को JMS की तरफ से? हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है जो काम का जैसा बेस होता है उसको मेंटेन रखना। जैसे सुरक्षा मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सिक्योरिटी अपनी लगा रहा है, चाहे प्रॉपर्टी के लिए चाहे खुद की, तो अगर हमारा सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर नहीं है तो फिर इसका मतलब अपने बेस से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा असर पड़ता है उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी अपने बेस को मजबूत नहीं रखती है। तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हमारी कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी काम कर रही है। शिक्षा भी चल रही है, सुरक्षा भी चल रही है, स्वास्थ्य के लिए भी बच्चों को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए, जैसे ही पढ़ के आते हैं तो मेडिकल में भी हम एक कदम अपना रख रहे हैं, क्योंकि जीवन में हमने बचपन से ही सुना था कि रोटी कपड़ा और मकान ये तीन चीज़ें होती हैं जो इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अब पूर्वांचल में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बड़े चेहरे हैं आप सब, आपका परिवार, तो ऐसा कुछ प्लान मुंबई में भी किया हुआ है कि इन फ्यूचर कुछ? आया हूँ अभी, तो आपके सामने ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ की चीज़ों को देखने से करने से धीरे धीरे समझ में आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बदलती जाएंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे पहले से संबंधित भी हैं, सबसे जुड़ के कुछ ना कुछ नया करने का ही तो यहाँ पे प्लान हो रहा है। क्योंकि मुंबई में भाई लोखंडवाला मैं बचपन से सुनता था, अब मुझे क्या पता कि ईश्वर और माता पिता की कृपा से मुझे लोखंडवाला में ही ऑफिस खोलने का मौका मिलेगा। मुंबई तो बहुत बड़ा है, हम कहीं भी खोल सकते थे, लेकिन अगर लोखंडवाला में मैं आके अपनी ऑफिस खोला हूँ JMS की, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने का भगवान का जो भी हो, अब वही करवाएंगे सर। प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो चांद के पार चलो 2, इसका भी पोस्टर आपके ऑफिस में लगा हुआ है जी, तो क्या स्टोरी है इसकी, चांद के पार 2 की क्या स्टोरी? तो हमारे डायरेक्टर और राइटर ही बताएंगे, लेकिन हमने कहा ना कि प्लानिंग स्टोरी मतलब क्या प्लानिंग है, कब तक फिल्म रिलीज होगी? प्लानिंग है, सब प्रपोजल चल रहा है, जल्दी चीज़ें सामने आएंगी, आपको आपके सामने आएंगी तो उस पर बात करेंगे। शूटिंग वगैरह इसकी कहाँ कहाँ कुछ प्लान आपने किया है, कहाँ कहाँ शूटिंग करेंगे? बनारस में भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, अब तो मुंबई घर बन गया, तो मुंबई से तो सारी फिल्में ही बनती हैं, लेकिन हम बनारस को भी माननीय मोदी जी और योगी जी इन लोगों के द्वारा बनारस काफ़ी आगे जा रहा है, तो इसकी शूटिंग बनारस में भी होगी। चलिए एक बार फिर हम JMS सिक्योरिटी की बात करते हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ें और उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा, चूंकि यहाँ बहुत पॉस एरिया है, जुहू, अंधेरी, विले वाले, इस एरिया में ऑफिस है, इसकी हेड ऑफिस खुली है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? JMS सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम रोजगार पैदा करना, क्योंकि मैं बनारस में एक पॉलिटिकल लेवल पे भी बिलोंग करता हूँ, मैं चोलापुर का निर्विरोध प्रमुख भी रह चुका हूँ, तो जब मेरे पास लोग आते थे रोजगार मांगने के लिए तो मैं सोचता था कि कहाँ से इतना रोजगार दूंगा। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना सिक्योरिटी का काम शुरू करूँ, क्योंकि एक लगभग 10,000-15,000 की जॉब तो मैं ऐसे ही क्रिएट कर दूँगा,
जब सिक्योरिटी का हमने रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया का करवाया, पसारा का लाइसेंस लिया, तो उससे ये हुआ कि जब भी कोई रोज़गार मांगने आता तो उसको मैं बोल देता हूँ कि अगर वो इंजीनियर नहीं है, अगर वो टीचर नहीं बन पा रहा है या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसको मैं बताता हूँ चलो ठीक है भाई नहीं कुछ कर पा रहा था सिक्योरिटी ज्वाइन कर लो। तो उसमें भी जैसे फौज में भर्ती होती है उस टाइप से हमारे पास पूरी टीम है फौज की, जो उसकी हाइट चेक करती है, उसका चेस्ट चेक करती है, पूरा एकदम फौज की तरह भर्ती करके हम लोग करते हैं। क्योंकि हमने बताया कि बेस जो बेस जिस इसका है सिक्योरिटी कैसी दे रहे हैं, कोई बड़ा पेट लेके चला जाएगा तो अपनी सुरक्षा करेगा कि दूसरी करेगा, उन सब सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। मतलब बिल्कुल जो शरीर रूप से फिट हैं, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, वही लोग यहाँ पे काम करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। और अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? अब मैं मुंबई वालों से और दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका एक छोटा भाई एक बड़े सपने के साथ मुंबई में एक ऑफिस डाला है, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, मेरे ऊपर रहे, और माता पिता की कृपा से ये मुझे भरोसा है कि बहुत। सर बात करें राजनीतिक जीवन की तो कैसा सफर आपका रहा? दो बार प्रमुख के आप निर्विरोध रहे, यह अपने आप में अनूठी बात है, जबकि राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़ के है, वर्चस्व की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कैसा आपका अनुभव रहा आपके सफर का? ये राजनीति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ें हैं जिससे समाज बदला जा सकता है, लेकिन राजनीति का जो उद्देश्य उससे लोग भटक चुके हैं। हमारी जनता, जहाँ से मैं प्रमुख रहा हूँ चोलापुर से, मैं तीन चुनाव लड़ा था, तीनों का तीनों निर्विरोध, मैं BDC निर्विरोध हुआ, प्रमुख निर्विरोध हुआ, अब बनारस के प्रमुखों का अध्यक्ष भी निर्विरोध हुआ, तो लोगों ने इतना मुझे प्रेम दिया कि हमने जैसे ही कदम रखा राजनीति में और हमारे सारे पद निर्विरोध हो गए। एक गाँव से मैं शुरू किया और जिले तक का प्रमुख संघ का अध्यक्ष मैं निर्विरोध बना, तो जैसा लोगों ने मेरे साथ किया, मैं भी अपना बिना भेदभाव के जितने दिन तक मैं उस कुर्सी पर बैठा रहा सबके साथ न्याय का ही काम करता रहा। राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे लोग इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो राजनीति का बैकग्राउंड बना दिया गया है उसमें अच्छे लोगों की पूछ ही नहीं, कदर ही नहीं हो पा रही है, और वो वैसा अपने को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जैसा जनता चाहती है। राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, मैं भी चाहता हूँ आगे कुछ करना, इस बार मौका देंगे तो करेंगे। बनारस की बात करें तो बनारस कितना बदल गया है पहले से? बनारस बहुत बदल गया है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आने के बाद चारों तरफ रोड के जाल बिछ गए हैं, बहुत सारे विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, घाटों को सुंदर बना दिया गया है, तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बनारस बहुत बदला है, उसमें कुछ आप जाके देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा बहुत बदला। तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं विकास नहीं हो रहा है, अच्छे दिन नहीं आए हैं, तो अच्छे दिन आने वाले हैं? मोदी जी ने ऐसा 2014 के चुनाव में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, अच्छे दिन के लिए अगर तुरंत आप चाहेंगे कि आपके जीवन में अच्छा दिन आ जाए तो नहीं हो सकता। अगर अच्छे दिन की ज़रूरत आपको तो समय देना पड़ेगा उसके लिए। भाई कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे दिन का वादा किया है, तो हमने बताया ना कि रोड का विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन गया, गंगा जी के किनारे घाटों की सफाई हो रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं बनारस में, तो चीज़ें बदली जा रही हैं, उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे आज ही मैं JMS अवार्ड की यहाँ पे ऑफिस खोला हूँ, और कल ही मैं सोचूँ कि बहुत बड़े बड़े टावर खड़ा कर दूँगा तो ऐसा संभव नहीं है ना, उसके लिए समय तो देना पड़ेगा ना। तो विकास अगर चाहते हैं आप तो उसके लिए समय दीजिए। मुंबई में आपकी ऑफिस खुली है JMS सिक्योरिटी की, बनारस वालों को कितना फ़ायदा इसका मिलेगा और रोज़गार कैसे लोगों को मिलेगा जो बनारस से मुंबई आए और आप यहाँ रोज़गार पाएं? सर मुंबई ऐसा शहर है कि मुंबई में बैठ के पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मुंबई से बाहर जाके अगर बनारस या जौनपुर में बैठ के अगर आप चाहें कि पूरे देश में बिजनेस कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, संभव नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव का व्यक्ति मुंबई में न रहता हो, घर भले बचा होगा लेकिन गांव नहीं बचा है। तो JMS अवार्ड एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की जो ये ऑफिस खुली है, इसका मेन उद्देश्य मैक्सिमम रोज़गार पैदा करना और अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, अपने देश में क्या सहयोग कर सकते हैं, उसी लिए खोला है, जो मेरा उद्देश्य है वही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। क्यों सर मुंबई में बैठा हुआ कहीं भी काम कर सकते इसको सही बात ये दोनों जो बनारस का इंटरव्यू है इसको जोड़ो या दो दिन के बाद पब्लिश करो जो आपको सही लगे उसको चलाइए। मैं अलग चलता हूं दो दिन के बाद टाइप सी को करें किसी के पास नहीं। सर थोड़ा सा आगे आ जाए आप। हां आप जो है यहां आ जाते। अच्छा तू मैं अंदर जाता हूं। सुभाष जी को आप शुभकामना देंगे JMS के लिए, जो कि भाई कंपनी शुभकामना। अवार्ड मिल होता है बिजली इन
तीनों के लिए दीजिएगा, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन और रिवार्ड, तीनों के लिए आप शुभकामना दीजिए। आप ही हैं, क्लोज हैं सर, आप मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और पेशे से मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज में हूँ और पिछले 38 साल से मैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए फंड्स रेज करता रहा हूँ। आज JMS ग्रुप का जो मुंबई ऑफिस खुला है, जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, उसके लिए मैं सुभाष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है सुभाष जी के साथ, मुझे लगता है कि इनकी सोच बहुत ऊंची है। ये सिर्फ पैसा कमाने के ही उद्देश्य से यहाँ नहीं है, इनफैक्ट पैसा कमाने के उद्देश्य से ये लखनऊ और बनारस में भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किया है, चाहे वो हेल्थ केयर में किया हो, चाहे वो एजुकेशन में किया हो, चाहे समाज सेवा के लिए किया हो, वहाँ पर इनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का है, लोगों को उत्तम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करने का है, ना ही सिर्फ पैसा कमाने का है। पैसा कमाना है, ठीक है, आपको दुनिया में रहना है, आपको व्यापार करना है, पैसा भी कमाना है। तो मुझे लगता है जिस उद्देश्य को लेकर और जिस सोच को लेकर ये मुंबई आए हैं और जैसा इनका विचारधारा है, उसके हिसाब से ये बहुत आगे जाएंगे। मुंबई, जैसा कि इन्होंने खुद कहा, कि एक ऐसा शहर है जिससे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत से मुल्कों में आप व्यापार कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के अलावा जो आपकी सोच है कि मैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, समाज सेवा में काम करूं, उसके भी मौके इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं इनको जो भी सहूलियतें हो सकती हैं फंड्स रेज करने के लिए, इनको अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मैं इनको देता रहूँगा। तो एक बार फिर से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि JMS ग्रुप बहुत आगे जाएगा। आप क्या शुभकामनाएं देंगे सुभाष सर? धन्यवाद। मेरा नाम तारिक खान है, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से ही हूँ। और आप सुभाष, वो बम्बई में आए, उन्होंने आज ऑफिस खोला, वो भी लोखंडवाला में, और बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है बनारस में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ भी उससे भी बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, क्योंकि ये आर्थिक राजधानी है। सुभाष जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, जब से मैं उनसे मिला हूँ, उनके अंदर जो मैंने बिजनेस का जुनून देखा है ना, वो बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। उनकी एक सोच है जिसको वो पंख लगाना चाहते हैं, एक उड़ान भरना चाहते हैं वो बिजनेस में, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो एक दिन बहुत कामयाब होंगे। अब वो बम्बई में आ गए, मुंबई में आ गए, बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब मैं आऊँगा आपके प्रोजेक्ट चांद के पार चलो तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, अब सुना है उसका दूसरा पार्ट भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे टू के लिए? सर, चांद के पार चलो के म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हैं विष्णु नारायण जी, और इंशाल्लाह साथ में चांद के पार चलो टू भी यही कर रहे हैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर। सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करा दूँ। थैंक यू। रही फिल्म की बात चांद के पार चलो टू, मेरे दोस्त मुझसे आजकल कहने लगे हैं तुम पागल मत हो जाना, क्योंकि उस फिल्म को लेकर मैं इतना जुनून है, मुझे इतना पागल हो चुका हूँ मैं कि मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, रात दिन सोते जागते उठते बैठते सिर्फ चांद के पार चलो टू। ये मेरा जुनून जब सुभाष जी ने देखा, कहने लगे यार मेरा एक बैनर भी है JMS वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में, उस पर कुछ फिल्में बनाता हूँ। उन्होंने 2-3 भोजपुरी फिल्मों को फाइनेंस किया, प्रोड्यूस भी किया है, और आपका जुनून देख के ऐसा लग रहा है कि चलो हम इस फिल्म को बनाते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा अंदर जुनून देख के चांद के पार चलो टू को शुरू करवाने का उन्होंने हौसला किया, और इंशाल्लाह आप देखना चांद के पार चलो टू से भी ज़्यादा धमाल करेगी। बहुत ही कमाल की कहानी लिख दी है इस बार, एक्शन लव स्टोरी है इस बार। चलो सर, जिस तरह से गाने पिछली बार में सुनने को मिला था, देखने को मिला था, लोग गुनगुना रहे थे उसको कोई गाड़ी में, कोई कहीं, कोई कहीं, तो अब इस दौर में जैसा युवा चाहते हैं उस टाइप के गाने रहेंगे या कुछ? देखिए सर, युवा जो चाहते हैं, मेलेडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी गाना हो, अगर उस गाने के अंदर अगर मेलेडी नहीं है, वो गाना नहीं चलेगा। चांद के पार चलो सर के साथ में हमने काम किया, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा म्यूज़िक हम तारीफ़ कर रहे हैं, ये जिन जिन लोगों ने भी सुना, उन्होंने कहा वाह क्या बात है, और आज भी वो गाने
ऑटो में, रिक्शे में, आप कहीं भी चले जाओ, गांव में भी आज भी लोग गुनगुनाते हैं और आज भी गाना हिट है। तो मेरा एक ही कहना है कि मेलोडी जो है ऑलवेज हिट। अगर आप कोई भी गाना लाते हैं, आपके गाने के अंदर मधुरता है, अच्छा संगीत है, अच्छे अल्फाज हैं, तो वो गाना चलेगा ही चलेगा। जेएमएस की फैमिली ने भी अभी डिक्लेयर किया कि जल्दी हम जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसा कि मुझे सर ने बताया सुभाष जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जेएमएस, राइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं जेएमएस के लिए कि आगे अच्छी फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, वो हमारी इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छे लोगों को समझ सकें, अच्छे सब्जेक्ट को समझ सकें, और उसकी समझ जो है जब होगी तो अच्छी फिल्में आएंगी। मेरा सवाल आपसे है, इंजीनियर हैं आप, जैसा मैं जानता हूँ इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो जुनून फिल्मों का कैसे, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। सर मैं इंजीनियरिंग सिर्फ अपनी एजुकेशन के लिए किया, मैंने कहीं कोई नौकरी नहीं की, ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब नहीं मिलता, क्योंकि मैं जब पास आउट हुआ तब प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स बनते थे, और बाहर निकलते सबको तब जॉब नहीं ढूंढना पड़ता था, नौकरी मिल जाती थी, लेकिन मेरा एक ही ख्वाब था। मैंने पता नहीं कब कोई फिल्म देखी होगी, जब छोटा बच्चा था तो मुझे फिल्म देख के ये लगा था कि यार इसको चलाता फिराता कौन है, इसके पीछे कौन खड़ा है, बस वहाँ से मुझे शौक था और मुझे डायरेक्टर ही बनना था, क्योंकि अल्लाह का करम है कि मैं राइटर भी खुद हूँ। भट्ट साहब ने मुझे एक बात कही थी, महेश भट्ट साहब ने, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, कि एक बात याद रखना, डायरेक्टर बहुत बन जाते लेकिन राइटर खुद नहीं बन पाते सर, क्योंकि किसी को पेन कागज़ दे दो और उसे कहो कि ज़रा एक सीन लिख दे, नहीं लिख पाएगा आदमी। ये अंदर मेरे अंदर सलाहियत, मैं अपनी फिल्म खुद लिखता हूँ तो मेरा विज़न क्लियर रहता है। चांद के पास चलो टू स्क्रिप्ट इतनी तैयार है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो फिल्म को देखने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि अच्छी फिल्में हम देखें, तो बहुत जल्दी सर की फिल्म जो है अभी शूट पर जाने वाली है, और अच्छे संगीत के साथ, वो भी बहुत अच्छा संगीत था लास्ट, अब जो आ रहा है वो भी कमाल का म्यूज़िक होगा, कमाल के गाने होंगे, और सबको हमारे साथ में एक बार बस वो गुनगुनाएंगे, चांद के पार चलो, सुर से हट गए, वो सुर लगाओ, वही सुर लगाओ पहले वाला, नहीं ये नहीं के पार, ये तो रखूंगा ही नहीं, वही सुर लगाओ, अलाप, वो फर्स्ट का बात कर रहा है, अलाप लगाइए, अलाप अलाप उठाइए, अलाप फर्स्ट जो था, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा ऐतबार चलो, चांद के, ये फर्स्ट मूव अपना चांद के पार चलो, बट राइट नाउ सेकंड जो आ रहा है उसकी भी हम लोग तैयारी, सालों बाद भी गाना दिल छू जाता है, जी जी, पता नहीं आप इस चीज को मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं भी एक दर्शक के तौर पे, पत्रकार तो हूँ ही, दर्शक के तौर पे वाकई जो है गाना दिल छू जाता है सर, तो अब क्रू में भी कुछ ऐसा ही कुछ सर, देखिए बेस म्यूजिक का जो बेस होगा यही धुन होगी, मैं आपको बता दूं, हाँ गाने दूसरे होंगे लेकिन बेस को मैं नहीं छोड़ूंगा, वही मैंडोलिन आएगा, वही, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करना है मुझे फिल्म को, उस फिल्म में मेरी ऐसा नहीं था कि मैं उन कैरेक्टर को आगे बढ़ा सकूं, ये भी एक लव स्टोरी है लेकिन मेरा म्यूज़िक उससे रिलेट करेगा, जिससे चांद के पास चलो टू जस्टिफाई हो सके कि नहीं नहीं ये वही लोग हैं, वही काम करने वाले, ये इतनी इमोशनल फिल्म लिखते हैं और बनाते हैं और म्यूज़िक उतना अच्छा लेके आते हैं, उसमें स्ट्रगल को भी दिखाया गया, सक्सेस को भी दिखाया गया था, तो ये भी नहीं सर, ये बिल्कुल डिफरेंट लव स्टोरी, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, रही बात वो उसमें तो मैंने अपनी स्ट्रगल दिखा दी थी सर, उसमें मेरी अपनी कहानी थी, मेरी अपनी स्ट्रगल थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।